द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीसीसीआई के सचिव और अमित शाह के बेटे जय शाह का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो आईपीएल फाइनल मैच के दौरान का है और उस वक्त जय शाह जो इशारे करते नजर आ रहे हैं उसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। क्या जय शाह अश्लील इशारे कर रहे हैं और किस बात को लेकर कर रहे हैं? एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके से कैमरा के सामने हरकत कर रहा है और फिर इसको लेकर सोशल मीडिया पर बातें भी बनाई जा रही हैं, तो क्या जय शाह इस बात से अनभिज्ञ थे कि वो जो भी हरकत कर रहे हैं वह कैमरे में कैद भी हो रही है चीजें? आप अपने स्क्रीन पर जरा वीडियो देखिए, इसमें जय शाह क्या कर रहे हैं। यह इशारे भारतीय परंपरा में अश्लील माने जाते हैं और जय शाह यही कुछ करते नजर आ रहे हैं। किसी के आउट हो जाने पर या खुशी होगी या फिर किसी के छक्का मारने के बाद विरोधियों को चिढ़ाने की एक जो इशारे होते हैं उस तरीके से हो सकते हैं, लेकिन यह इशारे कतई सभ्य नहीं है। यह इशारे अश्लील कहे जाते हैं और इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। यह पहली दफा नहीं है जब जय शाह मैदान पर इस तरीके की हरकतों के लिए वायरल हुए हैं और इनकी आलोचना हुई है। बीसीसीआई के सचिव हैं, एसीसी के भी ये प्रेसिडेंट हैं। एसीसी मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल के, यानी दो बड़ी बड़ी संस्थाओं के पद पर बैठा हुआ यह जिम्मेदार व्यक्ति जब मैच देखने बैठता है तो यह भूल जाता है कि वो किस पद पर बैठा हुआ है। यह अश्लील इशारे क्या कहते हैं, इसको लेकर इनकी जमकर आलोचना हो रही है, लोग कमेंट कर रहे हैं। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने भी कमेंट किया है और इनकी तस्वीरें दिखाया है और फिर एक जो विजुअल्स है वो है चेन्नई सुपर किंग्स जब अंतिम गेंद पर रविंद्र जडेजा शॉट लगाते हैं, इस दोनों को कंपेयर करके उन्होंने लिखा है, ही हु लाफ्स लास्ट लाफ्स बेस्ट। इसका मतलब यही होता है कि जो सबसे अंतिम में हंसता है उसकी हंसी सबसे अच्छी होती है। जय शाह पहले से ही जश्न मनाने के मूड में थे, लेकिन यहां पर जब धोनी की टीम जीत गई तो वो जश्न कुछ और होता है। यही मैसेज जय शाह को श्रीनिवास बीबी ने दिया है। अमित शाह के बेटे हैं, बड़े पद पर बैठे हुए हैं और बड़े पद पर बैठा व्यक्ति इस तरीके की हरकत करके वो अपने व्यक्तित्व को भी दर्शा रहा है। कई बार ऐसा हो चुका है, बावजूद इसके गोदी मीडिया इसको तरजीह देती हुई कभी दिखाई भी नहीं पड़ती है कि एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किस तरीके से हरकत कर रहा है। एक ट्वीट मैं आपको और दिखाता हूं, लोग कमेंट कर रहे हैं तो हमने कुछ ट्वीट इकट्ठे किए। दूसरा ट्वीट जो है अभिषेक सिंह ने किया है, इन्होंने भी वही लिखा है कि इस तरीके से जो ये इशारे कर रहे हैं इस मैच के दौरान, क्रिकेट मैच के दौरान, तो उनका कहना है अमित शाह के सुपुत्र बीसीसीआई प्रेसिडेंट श्री जय शाह भरे मैदान में ये क्या अश्लील इशारे कर रहे हैं, वो भी लाइव। फिर चेन्नई की जीत हो जाती है और अमित शाह के बेटे जय शाह गुजरात को रनर अप रहने के लिए बधाई देकर ट्वीट भी करते हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया है वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन बड़ा सवाल यही है क्या जय शाह इस पद के काबिल हैं, इसकी चर्चा हमेशा उठती है। कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार यह कई मंचों से कहते आ रहे हैं, क्या जय शाह ने कोई विशेष डिग्री हासिल की थी, यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे जो इतने बड़े बड़े पद उन्हें सौंप दिए जा रहे हैं? अमित शाह के बेटे हो जाना ही क्या इनकी सबसे बड़ी डिग्री है कि वो किसी भी मैदान पर रहेंगे, किसी भी पोस्ट पर रहेंगे, कोई बड़े बड़े पद को सुशोभित करते रहेंगे? एशियन क्रिकेट काउंसिल की जिम्मेदारी इनके पास है, बीसीसीआई में सिर्फ और सिर्फ जय शाह के लिए संविधान बदला गया है, ये सारी चीजें यहां पर हुई, संविधान बदल करके जय शाह के करियर को और लंबा किया गया है। अभी सेक्रेटरी हैं, आने वाले समय में अध्यक्ष बना दिए जाएंगे, लेकिन यहां जो संविधान में बदलकर ताकत की बात की गई है वो सचिव को ज्यादा ताकत दी गई है, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन जय शाह के ट्वीट को देखिए, फाइनली ये सारे वीडियो तो वायरल हुए ही हैं, लेकिन यहां पर जय शाह ने आखिर में जो ट्वीट किया उससे समझ सकते हैं कि ये जो अश्लील इशारे कर रहे हैं वो किस टीम के लिए कर रहे होंगे। अब अपने स्क्रीन पर देखिए जरा जय शाह का ट्वीट। जय शाह ने दो ट्वीट किए, एक में उन्होंने चेन्नई को बधाई दी कि वो जीत गए हैं और अपने फैंस को भी उन्होंने धन्यवाद दिया। दूसरे ट्वीट में जो उन्होंने किया है, आखिरी ट्वीट है,
कांग्रेचुलेशंस गुजरात टाइटंस फॉर फिनिशिंग सेकंड। दे एंटरटेन्ड वन एंड ऑल विद देयर अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट। वेल डन हार्दिक पांड्या फॉर द वे ही लीड द टीम। स्पेशल मेंशन टू शुभमन गिल फॉर विनिंग द ऑरेंज कैप एंड मोहम्मद शमी फॉर बैगिंग द पर्पल कैप। ये गुजरात की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल ये लोग गुजराती हैं और गुजरात की तारीफ और उनके फेवरेट टीम हो भी सकती है। तो ऐसे में जो वो इशारे कर रहे थे, ऐसी चर्चा है कि वो MS धोनी की टीम को चिढ़ाने के लिए भी कर रहे थे। कोई कह रहा है कि किसी के आउट हो जाने के बाद उन्होंने इस तरीके के इशारे किए। ये इशारे बेहद अश्लील हैं और किसी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा कैमरे के सामने इस तरीके की हरकत करना बेहद ही निंदनीय और अशोभनीय है। क्या यह बात जय शाह नहीं समझते हैं? अब इसकी आलोचना हो रही है तो जय शाह का कोई कभी ट्वीट नहीं मिलेगा, कोई कमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पहली दफा नहीं है कि जब जय शाह ने ऐसी हरकत की। इससे पहले तो उन्होंने हमारे देश के तिरंगे का भी अपमान किया था, वो भी विजुअल आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें आप देखेंगे कि जय शाह के पास एक व्यक्ति तिरंगा लेकर आता है कि लीजिए जश्न मनाइए तिरंगे के साथ में, और ये झटके से मना कर देते हैं, मुझे तिरंगा नहीं चाहिए, मैं ताली ही मारूंगा। अब जय शाह है, अब इनको कोई एक बार ऑफर किया वो मना कर दिए तो किसकी हिम्मत होगी कि दोबारा वो जय शाह के पास तिरंगा लेकर पहुंच जाए। लेकिन यह वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था कि आखिर जय शाह को तिरंगे से क्या दिक्कत होगी? क्या वो इतने मुड़ियल हैं कि अपने मन की ही करेंगे? क्या जय शाह एक जिम्मेदार पद पर बैठकर उन प्रोटोकॉल को फॉलो भी नहीं कर सकते, उसे डेकोरेट भी नहीं कर सकते? लेकिन जय शाह को कैमरा के सामने ना जाने क्या सूझती है चीजें कि वो इस तरीके की हरकत कर वायरल भी हो जाते हैं। कई दफे इनके वीडियो वायरल हुए हैं, जब उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होता है, कुछ बोलना होता है, तो उस वक्त भी जब वो बोल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके अंदर का कॉन्फिडेंस कितना खत्म है। लेकिन जब यह इस तरीके के मैच में आते हैं और फिर ऐसी हरकत करते हैं तो फिर वायरल हो जाते हैं। यहां बताना जरूरी है कि जय शाह के लिए BCCI के संविधान में बदलाव किया गया था। उस वक्त इसी हेडलाइन से खबर छपी थी कि BCCI को संविधान में बदलाव करने की मिली मंजूरी, संशोधन को मंजूरी मिली है। सौरव गांगुली और जय शाह के पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल कूलिंग ऑफ पीरियड को लेकर यहां पर बदलाव करने की बात की गई थी और जो BCCI के सचिव है उनके पास शक्तियों की भरमार हो इसकी भी मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार BCCI के पद पर एक व्यक्ति लगातार 2 साल रह सकता है, यानी कि 6 साल तक का करियर उन लोगों का हो सकता है। हालांकि इस फैसले के बाद सौरव गांगुली जब रिटायर हुए अक्टूबर 2022 में तो वो फिर नहीं आए, लेकिन जय शाह बने रहे। जय शाह अब भी हैं, क्रिकेट के मैदान पर आपको हमेशा दिखाई पड़ते हैं, IPL में दिखाई पड़ते हैं और ऐसे टूर्नामेंट में उनके वीडियो भी वायरल होते हैं। उस वक्त क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, दैनिक भास्कर ने जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अब राज्य क्रिकेट एसोसिएशन और BCCI के कार्यकाल को एक साथ नहीं माना जाएगा। ऐसे में कोई अधिकारी राज्य क्रिकेट में 6 साल काम करने के बाद BCCI में भी 6 साल काम कर सकते हैं। BCCI में लगातार 6 साल पूरे होने के बाद 3 साल तक कोई भी पद पर नहीं रहा जा सकता है, यह कूलिंग ऑफ पीरियड बनाया गया। लेकिन पहले नियम यही था कि राज्य बोर्ड में और फिर BCCI वाले बोर्ड में, इस दोनों बोर्ड को मिलाकर भी अगर आपका करियर 6 साल का हो जाता है तो अब आप उस पद पर नहीं रह सकते हैं। तो जय शाह के 5 साल से अधिक पूरे हो रहे थे, अब ऐसे में उन्हें लग रहा था कि अब मेरे हाथ से यह कुर्सी निकल जाएगी, तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जय शाह के लिए दरवाजे खोल दिए गए, कोर्ट से अनुमति मिल गई और BCCI ने संविधान में संशोधन कर जय शाह को सेक्रेटरी बनाकर रखे रहा। और अब देखिए उनके पास ताकत बहुत है, लेकिन वे अपनी हरकतों की वजह से लगातार वायरल होते रहते हैं और यहाँ फिर से वो वायरल हो ही गए हैं। ऐसी तस्वीरें बताती हैं कि जय शाह के पास मैच्योरिटी की कमी है, संवेदनशीलता की कमी है। वो अगर इस तरीके की हरकत करेंगे तो सभ्य समाज क्या कहेगा, कैमरे पर अगर वो इस तरीके की हरकत करेंगे तो लोग उनके बारे में क्या राय बनाएंगे। अमित शाह के बेटे हैं, देश के गृह मंत्री के बेटे हैं, कम से कम उस नाते भी तो शालीनता दिखनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो मैच देखने के दौरान शायद एक्साइटमेंट में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं या फिर उन्हें ऐसी हरकत करने की कोई आदत रही होगी, तभी तो इस तरीके से अश्लील हरकत कर
बीसीसीआई के पद को भी वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।